गाजियाबाद में किसानों ने योगी सरकार की शव यात्रा निकाली, सांसद विधायक के पुतले जलाए, बढ़ा मुआवजा मांग रहे मंडोला बिहार योजना के किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसान शव यात्रा निकाल रहे हैं योगी सरकार की, चलिए आपको बताते हैं। गाजियाबाद में मंडोला बिहार योजना से प्रभावित किसानों ने रविवार को योगी सरकार की शव यात्रा निकाली। धरना स्थल से शुरू यह यात्रा आवास विकास परिषद कार्यालय के बाहर पहुंची, जहां किसानों ने क्षेत्रीय सांसद जनरल वीके सिंह, विधायक नंद किशोर गुज्जर और बीजेपी नेता बसंत त्यागी के पुतले जलाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से तीखी और झड़प या धक्का मुक्की भी की। क्या है मंडोला बिहार योजना, चलिए आपको बताते हैं। मंडोला बिहार योजना के तहत साल 1998 में 6 गांव में ये योजना लगी थी। 6 गांव के नाम है मंडोला, नानू, मिल्क बामला, अगरोला, नवादा, मकसूदाबाद की 26-14 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। क्या है मंडोला योजना, चलिए आपको बताते हैं। मंडोला बिहार योजना के तहत साल 1998 में 6 गांव मंडोला, नानू, मिल्क बामला, अबरोला, नवादा, मकसूदाबाद की 2614 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। उस वक्त 1100 रुपए की दर से किसानों को मुआवजा दिया गया था। 2 दिसंबर 2016 को मंडोला समेत 6 गांव के किसानों ने 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि का मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तब से आज तक धरना जारी है। इस दौरान किसानों ने विरोध के कई तरीके बदले, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। किसान बोले, अगर 31 अक्टूबर तक समाधान नहीं हुआ तो हम फिर से धरना करेंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि 6 वर्ष पहले हमें भाजपा के नेताओं ने ही धरने पर बैठाया था, लेकिन अब मांगों पर सहमति बनाने के लिए जनप्रतिनिधि कोई प्रयास नहीं कर रही है। मांग की गई है कि 31 अक्टूबर को बोर्ड बैठक बुलाकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा करना, उनका निदान किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि मंडोला बिहार योजना के किसान कब तक धरना करते हैं, क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।